चारों तरफ पानी, हरियाली और खूबसूरत दृश्यों से घिरे हुए आइलैंड पर कौन नहीं जाना चाहता। आइलैंड शब्द सुनते ही हमारे मन में एक शांत और खूबसूरत जगह की तस्वीर मन में आती है। लेकिन क्या हो अगर उसी खूबसूरत जगह पर हजारों भूतियां डॉल्स हो तो? अगर वहीं पर लाखों लोगों को जिंदा जलाया गया हो तो? और उसी खूबसूरत जगह पर जो आता है वो कभी जिंदा लौट कर नहीं जाता हो तो क्या आप ऐसी जगह जाना चाहोगे? तो ये साल के पहले वीडियो में हम चलेंगे आइलैंड की सैर पर, लेकिन किसी खूबसूरत जगह पर नहीं बल्कि एक भूतिया आइलैंड पर, और एक नहीं तीन तीन भूतिया आइलैंड पर। और ये ऐसी जगह है जहाँ के बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों के गुरिये बड़े हो जाएंगे, क्योंकि भैया जो भी गया भूतिया आइलैंड उसकी बज गई बैंड। तो खाने पीने का सामान साथ में रख लो, चलते हैं आइलैंड की सैर पर साल के पहले फाड़ू वीडियो में। पलमायरा आइलैंड, ईयर 1798 से लेकर अब तक यहाँ पर कई अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं। अक्सर इस आइलैंड के ऊपर से उड़ने वाले प्लेन और जहाज रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते हैं। कई लोगों ने इसके पीछे के रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद भी उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। इस आइलैंड का नाम है पलमायरा और कहा जाता है कि ये आइलैंड काफी लंबे समय से श्रापित है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी जाता है तो वो लौट कर वापस नहीं आ पाता, और इस जगह से जुड़ी ऐसी कई घटनाएं हैं जिन्हें जानने के बाद आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। सच में नहीं दबा लेंगे, ये एक कहावत थी। ये जगह इतनी ज्यादा श्रापित डरावनी है कि यहाँ पर कोई भी स्थानीय निवासी तक नहीं रहता, मतलब ये जगह पूरी तरीके से वीरान है। अगर आप यहाँ पर चले जाते हैं तो यहाँ पर आपको आपके अलावा एक भी इंसान देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ये काफी जंगली इलाका है, लेकिन यहाँ पर आदिवासी भी नहीं रहते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो यहाँ पर रिसर्च करने गए, यहाँ के रहस्य के बारे में पता लगाने गए। यहाँ पर कई पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट भी गए जिन्होंने यहाँ पर होने वाली पैरानॉर्मल घटनाओं के राज जानने की कोशिश की। उनको पता चला कि यहाँ पर एक आत्मा रहती है जो यहाँ पर छिपे एक खजाने की रक्षा करती है। हालांकि कुछ लोग इस खजाने के लालच में यहाँ पर आए जरूर, लेकिन उनके साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। जो लोग इस आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए आए थे उनके मुताबिक इस रहस्यमय जगह पर उन्होंने काफी अजीबोगरीब महसूस किया। वे बताते हैं कि उन्होंने यहाँ पर कई ताकतों का सामना किया। उन्हें महसूस हुआ कि जैसे यहाँ पर कोई आत्मा उनका पीछा कर रही हो, और यही कारण है कि पलमायरा आइलैंड पूरी तरीके से सुनसान है, यहाँ पर कोई भी जाना पसंद नहीं करता। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है जहाँ पर आपको किसी आइलैंड पर छुपना पड़े और आप पलमायरा आइलैंड के नजदीक हो, तो क्या आप वहाँ पर जाकर छिपना पसंद करेंगे? डॉल्स आइलैंड, ये दुनिया का सबसे ज्यादा अजीबोगरीब आइलैंड है। इसको डॉल्स आइलैंड कहा जाता है, लेकिन इसका असली नाम ला इस्ला डे ला मेनेसियस आइलैंड है, क्योंकि इस आइलैंड के हर पेड़ और जमीन पर हजारों की संख्या में डरावनी और टूटी फूटी डॉल्स लटकी हुई हैं। सबसे पहले इस आइलैंड पर 1990 में लोगों की नजर पड़ी थी जब मेक्सिको सरकार के कुछ कर्मचारी एक प्रोजेक्ट के दौरान यहाँ पर पहुंच गए थे। लेकिन जब उन्होंने यहाँ पर हजारों की संख्या में डरावनी डॉल्स को देखा तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए, और फिर उन्होंने इसके पीछे की कहानी को पता लगाने का फैसला किया। इस डॉल्स आइलैंड पर मौजूद इन हजारों डॉल्स के पीछे की कहानी जानकर आपको भी मजा आ जाएगा। सोंटना ब्रेरा नाम का एक व्यक्ति शांति की खोज कर रहा था। ये मेक्सिको का रहने वाला था, और इसलिए उसने अपने घर परिवार को छोड़कर एक आइलैंड पर आकर अकेले रहने का फैसला किया, और वो आया डॉल्स आइलैंड पर। हालांकि पहले इसको डॉल्स आइलैंड नहीं बोला जाता था, लेकिन ये एक ऐसी जगह थी जहां पर काफी कम लोग आते थे और यहां पर बहुत शांति रहा करती थी। सोंटना इस आइलैंड पर अकेला नहीं था, वहां पर कुछ टूरिस्ट भी आए हुए थे, लेकिन सोंटना उन सबसे दूर जंगलों के बीच अकेले में रहता था। उस आइलैंड पर आई एक टूरिस्ट फैमिली की छोटी सी बच्ची थी जिसकी मौत समुद्र के किनारे पानी में डूबने से हो गई। उसके बाद वो फैमिली वहां से चली गई, और कुछ ही दिनों बाद सोंटना ब्रेरा को उस जगह पर एक तैरती हुई डॉल मिली, ठीक उसी जगह पर जहां पर उस बच्ची की मौत हुई थी। सोंटना को लगा कि उस डॉल में शायद उस बच्ची की आत्मा होगी, और ये सोचकर उसने उस डॉल को पेड़ पर लटका दिया, क्योंकि वो शांति की खोज तो कर रहा था लेकिन वो थोड़ा डरपोक था। उसे लगने लगा कि उस बच्ची की आत्मा कहीं उसे परेशान न करने लगे, इसलिए उसने उस डॉल को पेड़ पर लटका दिया और वहां से दूर चला गया। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ जो सोंटना की समझ से भी बाहर था। तट पर कोई ना कोई डॉल जरूर मिलती, और वो हर डॉल को उठाकर पेड़ पर लटका देता। सोंटना को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उस आइलैंड पर इतनी सारी डॉल्स आखिर आ कैसे रही हैं। धीरे धीरे उन डॉल्स की संख्या हजारों में पहुंच गई। जब मैक्सिको गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को इस पूरी कहानी के बारे में पता चला और उन्होंने इस बात की जांच की तो उन्हें भी इस बात का कोई जवाब नहीं मिला कि आखिर उस आइलैंड पर इतनी सारी डॉल्स आ कहां से रही थी। सोंटना हर डॉल को उठाकर पेड़ पर लटका देता। जब पेड़ों पर जगह खत्म हो गई तो उसने डॉल्स को जमीन पर रखना शुरू कर दिया। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा और एक दिन रहस्यमय तरीके से सोंटना की भी मौत हो गई, ठीक उसी जगह जहां पर वो बच्ची मरी थी। वैसे तो ये मेक्सिको का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है, यहां पर हजारों लोग दिन के समय घूमने आते हैं लेकिन रात में यहां पर किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है। बहुत से लोगों का मानना है कि ये गुड़ियाएं रात के समय जिंदा हो जाती हैं, क्योंकि ये कहां से आई थी इसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता और यही रीजन है कि इस आइलैंड का नाम बदल के डॉल्स आइलैंड कर दिया गया। ये कहानी सुनने में जितनी डरावनी है, सोचो जिस व्यक्ति के साथ ये घटना घटी होगी उसकी क्या हालत हुई होगी। तो आपको क्या लगता है आखिर क्या रीजन था उस आइलैंड के ऊपर आने वाली इतनी सारी डॉल्स के पीछे? आखिर वो डॉल्स कहां से आई थी और क्या वो आइलैंड वाकई में श्रापित है या इन सारी घटनाओं के पीछे कुछ और ही रीजन है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पोवेग्लिया आइलैंड। इटली का ये पोवेग्लिया आइलैंड कभी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था लेकिन आज इसे आइलैंड ऑफ डेथ कहा जाता है। लेकिन यह मौत का टापू हमेशा से ऐसा नहीं था। इसके हॉन्टेड होने के पीछे है एक बहुत ही दर्दनाक कहानी। आज से कई साल पहले इटली में प्लेग की बीमारी फैली थी और इस बीमारी ने भारी संख्या में लोगों को मारा था। इस प्लेग ने इटली में कोहराम मचा दिया था। जब इटली की सरकार इस बीमारी पर काबू नहीं कर पाई तो उन्होंने करीब 160,000 मरीजों को पोवेग्लिया आइलैंड में ले जाकर जिंदा जला दिया क्योंकि वो लोग इन्फेक्टेड थे। लेकिन मौत का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। प्लेग के बाद इटली में ब्लैक फीवर मतलब काला बुखार नाम की एक लाइलाज बीमारी फैल गई और इससे भी लाखों की संख्या में लोग मारे गए और जिन भी लोगों की मौत इस बीमारी से होती थी की बॉडी को पोवेग्लिया आइलैंड में ले जाकर दफना दिया जाता था या जला दिया जाता था। इस आइलैंड के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पर रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, आत्माओं के होने का एहसास होता है। हो सकता है कि जिन लोगों को यहाँ पर लाकर जिंदा जला दिया गया हो उन लोगों की आत्माएं इसी आइलैंड पर निवास करने लगी हो। अजीब बात यह कि इस टापू का रहस्य जानने के लिए यहाँ पर कई लोग आए लेकिन उनके साथ कुछ न कुछ ऐसी पैरानॉर्मल घटना हुई जिसकी वजह से उनका ये रिसर्च अधूरा रह गया। वो किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए। यही रीजन है कि लोगों ने मान लिया है कि ये आइलैंड श्रापित है, यहाँ पर शैतानी शक्तियां हैं और अब तो इटली की सरकार ने इस आइलैंड पर जाने पर पाबंदी लगा रखी है। हालांकि अगर कोई अपने रिस्क पर यहाँ पर जाना चाहता है तो वो जा सकता है। तो भैया ऐसी खतरनाक जगहों पर अपने रिस्क पर कौन ही जाएगा? मुझे लगता है कि मैन वर्सेस वाइल्ड के बियर गिल्स को एक बार ऐसे किसी आइलैंड पर जरूर जाना चाहिए क्योंकि वो तो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर ही सकता है। क्या पता कभी बियर गिल्स हमारा एपिसोड देख के ऐसे किसी आइलैंड पर ही चला जाए। एनीवे बियर गिल्स कहीं जाए या ना जाए आप कहीं मत जाना बिना लाइक किए और पहली बार आए हो तो बिना सब्सक्राइब किए। बस उम्मीद करते हैं कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के अनुसार 2022 में ज़ोंबी अपोकलिप्स ना आए। तो यार नए साल को एंजॉय करो और हाँ मास्क वास्क पहन के रखना। टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।